आधार का नया वर्जन 190 डेज आ चुका है। अभी आप मेरा वर्जन देख लीजिए, यहाँ पर मेरा वर्जन देख सकते हैं, यहाँ पर 188 डेज एक है, ये ओपन करके भी रखा हुआ हूँ। इसको आपको मैं अभी चेंज करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको इसको क्लोज करना पड़ेगा, तो चलो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, आप देख लीजिएगा ये। तो मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ सबसे पहले, इसको यस करेंगे। तो सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, आपकी यदि ऑटोमेटिक अपडेट नहीं हुआ तो आपको 190 का वर्जन चाहिए होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप अपने ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा और ब्राउजर के गूगल सर्च बार में टाइप करेंगे यहाँ पर csc helper.com, ये अपना csc helper.com इस प्रकार से आपको टाइप करना है। तो इस प्रकार से साइड में आ जाएंगे, यहाँ आपको सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन में आना है। आने के बाद आपको सीधा नीचे आ जाना है, नीचे आना है इस प्रकार से, ये साइड देख सकते हैं इस प्रकार से मेरा साइड। यहाँ पर आपको सारे सॉफ्टवेयर और सारे अन्य सॉफ्टवेयर भी आपको मिल जाएंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो नीचे आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं रखा हुआ हूँ देख सकते हैं ये वाला, तो इसको आपको इसको क्लिक करना है डाउनलोड को और इसको डाउनलोड कर लोगे। तो चलिए फिर फटाफट यहाँ से हम क्लिक करते हैं और इसको डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से करेंगे डाउनलोड, 494.42 एम बी का ये फाइल है, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। 190 डेज वन का फाइल है ये। डाउनलोड होने के बाद मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ और उसके बाद सबसे पहले तो आपको अपने सर्विसेज को स्टॉप कर लेना है। तो चलिए मैं फटाफट सारे सर्विसेज को स्टॉप कर देता हूँ यहाँ से। गाइस, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो हमने सारे सर्विस को यहाँ से स्टॉप कर दी, इसको करते हैं मिनिमाइज और चलते हैं वहाँ जो फाइल हमने रखा हुआ है। सबसे पहले आपको करना क्या, यहाँ से आपको करना इसको कॉपी, कंट्रोल सी या फिर कॉपी करेंगे, सी में जाएंगे और यहाँ से UDI आधार क्लाइंट सील वाले फाइल में जाएंगे और यहाँ इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। उसके बाद इसको राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अपना फाइल बन चुका है, इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे जितने भी आपको फाइल मिल जाएंगे इसको आपको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करेंगे, ये कॉपी करेंगे, बाहर आएंगे, फिर से एक बार बाहर जाएंगे और यहाँ पर आकर किसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ से कर देंगे इसको रिप्लेस, मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, देख सकते हैं ये रिप्लेस हो रहा है। तो हमारा सारा फाइल यहाँ से रिप्लेस हो चुका है। अब वापस इसको हम बंद कर लेते हैं, इसको भी बंद करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको सर्विसेज को रिस्टार्ट करना है, मैं फटाफट से इसको रिस्टार्ट कर लेता हूँ, इसको क्लोज कर रहे हैं। तो चलो मैं इसको फिर से डबल क्लिक करता हूँ, अब देखते हैं हमारा वर्जन कौन सा है, कुछ देर वेट करेंगे। तो देख सकते हैं हमारा वर्जन 190 डेज एक हो चुका है। तो चलिए मैं आपको रिव्यू दिखा दूँ किस प्रकार से इसके अंदर का जो फंक्शन है दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस सिम पे में क्लिक करके मैं अपना ID लॉग इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा ID यहाँ पर लॉग इन कर चुका हूँ और इसका वर्जन भी यहाँ पर चेंज हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार से देख लेंगे। तो यहाँ पर नया फंक्शन में क्या दिया हुआ है, नया तो यहाँ पर कुछ खास नहीं दिया हुआ है। तो जैसा कि आपका ऑटोमेटिक अपडेट नहीं हुआ है आपका क्लाइंट, तो आप इस प्रकार से अपना क्लाइंट को 190 डेज एक का वर्जन चेंज कर सकते हो, बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल आपको लाइव प्रोसेस में दिखा दिया हूँ। रही बात सॉफ्टवेयर की, तो आप CSC हेल्पर पर जाइए, वहाँ पर सारे सॉफ्टवेयर, सारे प्रॉक्सी फाइल, आपका फिंगर का, आयरिस का, सभी आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। और यदि आप नए VLE हैं या फिर नया आधार का ID लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगा आधार एग्जाम की, तो आधार एग्जाम यहाँ से दिला सकते हैं आप। इस प्रकार से यहाँ पर वेलकम टू आधार में जाएंगे, यहाँ पर NCET में क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करके आप यहाँ से एग्जाम भी दिला सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है। यदि आप यहाँ पर पास हो जाते हैं तो 100% आप सुपरवाइजर का ID प्राप्त कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।